ये हमारा एक्सपीरियंस वंदे भारत ट्रेन में, और ये वंदे भारत ट्रेन आ चुकी है पटना जंक्शन में, और इससे हम लोग जाने वाले हैं हावड़ा स्टेशन। काफ़ी नया ट्रेन, ऑब्वियसली ट्रेन तो नई थी ही, काफ़ी नीट एंड क्लीन, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था देखने में। चलिए एंटर करते हैं हम लोग अपने C2 बॉगी में, काफ़ी स्पेसियस भी था। सारे डोर्स ऑटोमेटिक बटन से खुलते थे, बंद होते थे। अंदर जाने के बाद ये सीट्स 3 और 2, एक साइड में 2 सीट था, एक साइड में 3 सीट था, और ऑब्वियसली नई ट्रेन है तो सीट्स भी काफ़ी क्लीन थे, और एसी भी काफ़ी हैवी किया हुआ था। ये स्टार्टिंग में हमें आधे लीटर का पानी दिया गया और हमारा ट्रेन स्टार्ट हो गया, और ट्रेन स्टार्ट होते ही हमें चाय और बिस्किट दी गई, और उसके बाद फिर अलग से गरम पानी दिया गया जिसको हम लोग ये पाउडर मसाला टी मिला के पी सकते थे, राइट। तो हमने चाय वाय पिया और बिस्किट वगैरह खाया, और जैसे ही कंप्लीट किया हमने अपना टी, तभी हम लोग को ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया, और ब्रेकफास्ट पे हमारे पास था ब्रेड, बटर, चॉको पाई और कटलेट, क्योंकि हमारा वेज मील था तो सारे कुछ हमें वेज दिए जा रहे थे। लो चॉको पाई, लो चॉको पाई लो। साथ पे एक सैनिटाइजर, ये आपका हैंड टॉवल भी था जिससे हम लोग हाथ वाथ साफ कर सकते थे, और एक जैम भी दिया गया था, जैम के साथ भी ब्रेड खा सकते थे। चलिए हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट देखते हैं कैसा टेस्ट करता है। फ्रेंच फ्राइज भी है एक्चुअली, हाँ थोड़े बहुत फ्रेंच फ्राइज भी देते हैं ये लोग कटलेट में, और मेरे बच्चे को फ्रेंच फ्राइज काफ़ी पसंद है, सो लेट्स ट्राई द मील। टेस्ट में मुझे ओके लगा, और मैंने फिनिश कर लिया अपना ब्रेकफास्ट, और थोड़ा आराम करते हैं हम लोग। और ये आपका डोर है जो पुश है, पुश करने के बाद ये ऑटोमेटिक खुलता है, और हम लोग जा रहे हैं रेस्ट रूम। ये हमारा रेस्ट रूम है, काफ़ी बड़ा, और मतलब मुझे तो होटल जैसा लग रहा था कि होटल्स में भी ऐसा ही रेस्ट रूम्स रहता है। सारे कुछ ऑटोमेटिक, नीट एंड क्लीन, आपका हैंड ड्रायर दिया हुआ है, आपका टैप्स, एवरीथिंग वाज ऑसम, वेरी नीट एंड क्लीन। और ये दरवाज़ा देखिए कैसे ऑटोमेटिक खुलता है, ये अनलॉक कर दिया, ये बटन दबा और ये ऑटोमेटिक खुल जाता है। चलिए हम लोग अपने सीट पे चल जाते हैं और जर्नी का मज़ा लेते हैं। और विंडो से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था, मतलब पहाड़, जंगल, सब कुछ देखने को मिल रहा था, तो काफ़ी मैंने रिकॉर्ड किया व्यूज़ को, मैंने कैप्चर करने की कोशिश किया जितना कर सकता था। और ट्रेन की स्पीड, मतलब एक टीवी का स्क्रीन लगा हुआ था जिसमें ट्रेन की स्पीड, नेक्स्ट स्टेशन इत्यादि सारे कुछ बता रहे थे। तभी मैंने नोटिस किया कि एसी से पानी टपक रहा था, और एक्चुअली काफ़ी ठंडा भी किया हुआ था उसने बोगी को। और ये हमारा मैकेनिक आ गया जो कि कोशिश कर रहा है कि इस पानी को कैसे हटाया जाए, वो पेपर की मदद से वो पानी को हटाने की कोशिश कर रहे थे। उतना भी पानी नहीं गिर रहा था, 2-4 बूंद गिरा था, बट इमीडिएटली मैंने अलर्ट कर दिया, और यही ट्रिक से उसने एसी के पानी को हटाने की कोशिश की। ये हमारा 5-10 मिनट चला, और जैसे ही इसने क्लीन कर दिया, उसके बाद कोई इशू नहीं दिखा मुझे, उसके बाद मेरे सीट पे कुछ भी पानी वानी नहीं गिरा, तो थैंक्स टू दिस जेंटलमैन, इट वाज वेरी हेल्पफुल।
और इसके बाद फिर मैं लंच का वेट करने लगा कि हमारा लंच भी मुझे लग रहा था कि मिलेगा क्योंकि काफ़ी टाइम बचा हुआ था हावड़ा आने में। तो मैं बस खिड़की से बस पहाड़ का व्यू देख रहा था। ये हमने सीसी में बुक किया था चेयर कार में, इसके अलावा इकोनॉमिक क्लास भी एग्जीक्यूटिव क्लास भी होती है। तो ये हमारा लंच आ गया। लंच में हमारे पास था दही और चलिए इसको ओपन करके चेक करते हैं क्या क्या है। ये भुजिया आलू पटल का, ये मिठाई है रसगुल्ला, ये पनीर की सब्जी, ये दाल और ये पुलाव, पीस पुलाव, और तो पराठा भी दिया हुआ था और वही आपका सैनिटाइज़र वगैरह सारे कुछ दिया हुआ था। हमने लंच कंप्लीट कर लिया और ये हमारा हावड़ा स्टेशन आने वाला है। मतलब लंच कंप्लीट किया और हावड़ा पहुंच गया ट्रेन। तो मतलब खाते पीते जर्नी का कुछ पता ही नहीं चला। 6.5 घंटे में हमने जर्नी कंप्लीट कर लिया। थैंक यू ऑल।